कार्यवाही शुरू की जाए। जी प्रभु। प्रभु ये बड़ा ही विचित्र मानव आया है यम लोक में। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग का कोई रावण भेष धारण करके कलयुग में आया हो। जल्द ही हमें इसके पापों के बारे में सूचना प्रदान करो, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रभु ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आदि पुरुष वाले रावण को तो एक नंबर का छपरी बना दिया है। प्रभु मुझे दोबारा धरती लोक पर मत फेंकना, मैं यही रहना चाहता हूँ। शांत रहो मानव, जब तुमसे प्रश्न पूछा जाए तभी अपना मुख खोलना, वरना अगर प्रभु नाराज हो गए तो तुम्हारे पापों की सजा बढ़ जाएगी, फिर लिविर लिविर करते रहना। जल्दी करिए, आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, ये सही में रावण तो नहीं आ गया? वैसे भी दिवाली सीजन चल रहा है, पृथ्वी लोक पर रावण की कमी नहीं है, और कलयुग जो आ गया है। प्रभु ये मानव बहुत ही ज्यादा मात्रा में मदिरा का सेवन करता था, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को मारता था, अपने ससुराल में जाकर इसने अपनी सास को भी लूट लिया और ससुर को कोल्ड ड्रिंक में मदिरा पिलाकर नाले में फेंकवा दिया। जिस जगह ये नौकरी करता था वहाँ इसके अनेक स्त्रियों के साथ प्रेम प्रसंग है। प्रभु मैं क्या बताऊँ, इसकी लिस्ट 1,00,000 पन्नों की है। ठीक है, हम समझ गए ये किस प्रकार का मानव है। आज तुम्हें मदिरा की जगह हम अपनी झलकती आग की नदी का लावा पिलाएंगे मानव। नहीं प्रभु, अब मैं सुधर गया हूँ, ये तो मेरे पहले के कांटे जब मैं पागल था, परंतु अब मेरी बीवी पागल हो गई है प्रभु। शांत रहो मानव, तुम इतने दुष्ट हो कि अपनी मासूम पत्नी को मदिरा पी के मारते हो। तुम जैसे मानव का स्त्री के साथ नहीं बल्कि चुड़ैल के साथ विवाह कराना चाहिए। प्रभु वो चुड़ैल ही है। इसे शांत करो अन्यथा हमारे हाथों अनर्थ हो जाएगा। शांत रहो मानव, प्रभु का क्रोध मत बढ़ाओ। प्रभु बताइए इसको दंड देना शुरू करूं? बिल्कुल, इस रावण समान मानव को पहले यमलोक का धड़कता लावा पिलाया जाए। शीघ्र एक यमदूत ग्लास में लावा लेके आए। पियो जल्दी, ग्लास खाली करके दो, फिर और लेके आता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कैसे पीऊंगा, मेरा फेफड़ा जल जाएगा। कृपया मुझे जूस पिला दीजिए, मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है। मूर्ख, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारी सेवा की जाएगी। हाँ, तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हें सजा दी जाएगी। शीघ्र पियो इसे, वरना तुम्हारे हाथ पैरों को बांध के पाइप के जरिए लावा नदी से सीधे तुम्हारे मुँह में फिट करवा दूँ। नहीं नहीं प्रभु, पीटा हूँ, ये लावा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार मदिरा समझकर तेजा पी लिया था और मेरे अंदर का पूरा सिस्टम गल गया था। फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? वो मैंने अपनी बीबी को, नहीं मैं बताऊंगा, वरना आप लोग कहोगे इसे लावा पिलाओ मत, सीधे लावा नदी में फेंक ही दो। जल्दी देख कर बताओ हमें, इसने क्या क्या किया है अपनी पत्नी के साथ कि ये अभी भी जिंदा है? जी प्रभु, प्रभु अनर्थ कर दिया इस मानव ने। जल्दी बताया करो। इसने अपनी पत्नी को मदिरा पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और एक लालची डॉक्टर को पैसे देकर अपनी पत्नी के अंदर के सारा सिस्टम अपने अंदर कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गया, परंतु इसकी बीवी पागल हो गई। ये मानव बिल्कुल भी मानव की कैटेगरी में नहीं आता, ये सच में कोई दानव हुई है, इसे तुरंत यमलोक के लावा में फेंक दिया जाए। चलो बेटा, तुम्हारे भस्म होने का दिन आ गया। नहीं नहीं प्रभु, माफ कर दो, मुझे मत फेंको प्रभु, ए प्रभु, ए मेरे प्रभु, मान जाओ। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं जिंदा गला दिया जाऊंगा। प्रभु रुकिए रुकिए, प्रभु इसे छोड़ दीजिए। अब ये स्त्री कौन आ गई, वो भी जिंदा? प्रभु ये स्त्री इसकी पत्नी है। अरे करम डली, तुझे धरती में चैन नहीं पड़ा मुझे मार के, तो तू अब यमलोक में मुझे मारने आई है। मैं तुझे यहाँ से लेने आई हूँ, अपना मुंह बंद रख, मुझे अपना काम करते दे। अद्भुत, जल्द ही इस स्त्री को यमलोक से धरती पर फेंक दो, यमलोक में जिंदा आना किसी को भी अलाउ नहीं है। प्रभु मैं अपने पति को लेने आई हूँ, मुझे इसकी करवा चौथ की पूजा करनी है। तुम्हारा पति अब मर चुका है, अब इसकी आत्मा को वापस नहीं किया जा सकता, तुम हमारा दिमाग और ना खराब करो, चलो निकलो यहाँ से। यमदेव मैं अपने पति को लेने आई हूँ और इसे लेकर ही जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। ए, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो कुछ भी बोलोगी प्रभु के सामने, कायदे से बात करो वरना तुमको भी यही बंद कर दिया जाएगा। तू मुझे क्यों लेने आई है, तेरे साथ मैं नहीं जाना चाहता। प्रभु मुझे कोई और नौकरी दे दो, यहाँ पर यमलोक में मैं कर लूंगा, मैं झाड़ू लगा लूंगा, मगर दोबारा पटरी लोक पर मत भेजना मुझे, ये मुझे बहुत पीड़ा देती है प्रभु। पहले हमें ये बताओ इसकी मौत कैसे हुई? जी प्रभु, प्रभु अनर्थ क्या हुआ? प्रभु इसी महिला ने इसे रावण बना के और खुद श्री राम बनकर इसको मार डाला। क्या कहा, अपने पति का मर्डर कर दिया? जब तुमने इसे मारा ही है तो उसे दोबारा लेने क्यों आई हो? प्रभु मुझे माफ कर दो,
ये क्या पागलपंती है, पहले मारती और बाद में बचाती है। अब तुम इसे 7 दिनों तक वापस नहीं ले जा सकती। इसने अभी तक जितने भी पाप किए होंगे उसके दंड पहले इसे हम देंगे। प्रभु कल करवा चौथ है, 7 दिन का वेट नहीं कर सकती मैं, आप समझ क्यों नहीं रहे, कोई नया दूसरा उपाय निकालिए प्रभु। फिर तो एक ही उपाय है, तुमको कल यमलोक में ही आकर पूजा करनी पड़ेगी इसकी। प्रभु बहुत महंगा पेट्रोल है, मैं इतनी दूर से आई हूँ इतना सारा पेट्रोल फूंक कर, अब दोबारा जाऊंगी फिर दोबारा आऊंगी। नहीं नहीं प्रभु, इससे ये नहीं हो पाएगा, आपको कोई दूसरा उपाय खोजना होगा। ठीक है, हम नारी का सम्मान करते हैं, तुम्हें यमलोक में 1 दिन रहने का आदेश देते हैं, कल पूजा करके तुरंत धरती लोक निकल जाना। जी प्रभु, जो आपकी आज्ञा। चलिए जल्दी आप अपनी पूजा करिए और फिर धरती के लिए निकलिए। जी प्रभु। इधर देख, सुनो। क्या है, तुझे यमलोक में भी चैन नहीं है क्या, जो इतनी नशीली आवाज में बात कर रही है मुझसे। अरे पागल, मैं तुझे यहाँ से भगाने का प्लान बना रही हूँ, तेज बोलूंगी तो सब लोग सुन लेंगे। देखो ये क्या बात कर रहे हैं, पता लगाओ जरा। ये तुम लोग घुसर फुसर क्या कर रहे हो। नहीं नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ये बोल रही थी कि मैं। प्रभु मैं करवा चौथ की पूजा का मंत्र सुना रही थी इसे, बिकॉज इस मंत्र के बिना मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी प्रभु। ठीक है जल्दी रसम पूरी करो। नालायक, तू यहाँ लावे में फेंक दिया जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तू मेरे साथ धरती लोग निकल ले। हाँ हाँ तू 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 ठीक कहती है, यहाँ पर ये लोग मुझे लावा पिला रहे थे और तो और मुझे लावा नदी में फेंकने वाले थे, वैसे ही तू आ गई। अरे बचा ले तू मुझे, लेकिन तू मुझे वहाँ भी मारेगी। ससुरी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर नीचे पहुँच गया तो। अरे बुद्धू मैं तुझे बचा लूंगी, तू चिंता मत कर, अभी तुझे ये लोग लावे में फेंकेंगे, उधर से मैं अपना रॉकेट तेजी से लेकर के आऊंगी और तुझे उड़ा ले जाऊंगी। अरे वाह ठीक है, जल्दी जा तू। और सुन, कोई गलती की ना अगर तूने तो मैं तुझे इस बार मार डालूंगा, और बचाने भी नहीं आऊंगा जैसे तू आई है मुझे बचाने। अरे तू मुझे मार ले, वो तेरे बस की बात नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है प्रभु मैं निकलती हूँ, आप इसे लावे में फेंक दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। हाँ 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 प्रभु प्रभु मुझे लावे में फेंक दो, मैं लावे में कूदना चाहता हूँ प्रभु, मुझे बहुत जल्दी हो रही है, मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है प्रभु, मुझे धधकती आग में फेंका जाए प्रभु। हाँ ये ले जा डूब मर। अरे कहीं ये आग में जल्दी ना फेंक दे और वो आ भी ना पाए। अरे 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 ठंडी कहाँ रह गई, मैं जा रहा हूँ लावे में। अरे आजा, अरे कहाँ रह गई। अरे आज मैं जल गया, आज नहीं बचूंगा लग रहा। अरे आ गई। प्रभु प्रभु ये क्या हुआ, ये महिला हमारे साथ छल कर। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए BSR मारु को सब्सक्राइब करें।